गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मैं लेके आई हूँ एक और ब्लॉग आप लोगों के लिए। तो ये सुबह और मेरा खाना वाना सब हो गया है और अब हम ग्रीन टी पी रहे हैं। पता है आज क्योंकि ये गए थे, मैंने गई थी फिर से, मेरी आँख ने खुली थी, लेकिन कल पक्का जाऊँगी मैं। तो मैं ग्रीन टी बना के लाई हूँ और बादाम छीले हैं, इन्होंने बादाम खा रहे हैं। देखो ये विलन वाला लुक दे रहे हैं। चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज भी अकेला हूँ, सोना आज भी नहीं उठी, दो तीन आवाज मारी, रात में सोई थी, वो उसे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा चलो आज भी अकेले ही चलते। और आज हम अपना तो एक दिन बाद आए हैं, संडे ऑफ कर लेता हूँ, एक दिन तो रेस्ट भी चाहिए। आज का मौसम देखिए, हवा चल रही है हल्की हल्की। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। फ्रेंड्स मैं आ गया था घर वॉक करके, और आज मौसम बाहर तो ठीक है, अंदर तो बहुत आग हो रही है, घरों में तप रहे हैं बहुत। देखिए आज का दिन कैसा रहता, हवा चल रही है अच्छी, अच्छी तो नहीं, हाँ बस ठीक ठाक चल रही है अभी। तो फ्रेंड्स मैं नहा रही हूँ और अब मैं करूँगी पूजा, और चाय बनने रखी है, चाय बन रही है, और अभी 7:40 ही हुए हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, तो खाना वाना सब पैक हो गया है और जल्दी नहा लिया आज हम दोनों ही ना टाइम से। तो चलो पूजा करके मिलती हूँ आपसे। अभी फ़िलहाल के लिए मैंने ये पहन लिया, फिर थोड़ी देर बाद चेंज कर, जब जाऊँगी ऑफिस चेंज कर लूँगी। तो फ्रेंड्स मैं हो गई हूँ रेडी और मैं जा रही हूँ ऑफिस, मिलते हैं आपसे शाम को आके। चलो तो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ घर, काफ़ी देर हो चुकी है मुझे आए हुए। देखो ये मेरी आँख ना रेडिश रेडिश हो रही है, मतलब जलन सी हो रही है, इसमें ना दवाई डलवाऊंगी भी आ जाएंगी जब। और अभी इतने मैं कर लेती हूँ भिंडी, भिंडी काट लेती हूँ, भिंडी की तैयारी, आज भिंडी बनाऊँगी। तो चलो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। ओए किच्चू, किच्चू सुबह क्यों नहीं उठे आज? हाँ अरे आज गए थे तुम सुबह घूमने, तो गए थे ना, मैं क्यों नहीं गए? तू जान दे ही देख क्या कर रखा, क्या बिछा रखा, पूरा रात गर्मी लगी इसमें, कहा गए चादर मत बिछाया कर, मतलब अब इसमें भी मेरा कसूर हो गया? नहीं आई पूरी रात, तो मैं भी तो सो रही थी। अरे तुम चाहे कांटों पे सो जाओ, मुझे मैं थोड़ी सो सकता हूँ। तो बाबू रात ही बोल देते ना। मैं तो रात बोला था तुझे। कब बोला था? कि सोना है चद्दर चेंज कर लियो। तो ये बोला था ना कि कल कर लियो चेंज, अब ये थोड़ी था कि रात ही करनी थी, मुझे क्या पता था कि इतनी दिक्कत करेगी। और एसी में भी चलने के बाद भी पसीना था कमर पे, जिधर को भी करवट लूं तो। और इससे इससे क्या मतलब है उठने का, मतलब मैं समझी नहीं। नींद नहीं आई फिर? अरे यार बाबू ना जाने के 100 बहाने। नहीं उठ तो गया था मैं। हाँ। अब वो फिर नींद नहीं आई, सर में दर्द हो रहा था बहुत तेज। हाँ। फिर मैं गया, मुझे उठा देते मैं चली जाती। हाँ। आवाज भी मारी मैंने तुझे, मुझे आज नहीं आई वही आवाज। हाँ। मैं भी चली जाती, जा नहीं सकती मैं, बताओ क्यों? मेरे से ज्यादा आलस है, जब मैं उठ जाता हूँ तैयार हो जाता हूँ फ्रेश होके कॉफी पी के, तुम जब उठते हो आधा घंटे बाद। बाबू जब उठ जाती हूँ मैं, जब अलार्म बजता है ठीक है ना। क्यों नहीं बंद करा तुमने रात? रात का तो मुझे पता ही नहीं, आज का तो बजता रहा बजता रहा बजता रहा, 10 मिनट बाद मेरी आँख खुली कम से कम। आज का नहीं मुझे पता, वैसे तो मेरी आँख खुल जाती है। मैं एकदम हड़बड़ा सी का उठा, नींद आई उसी टाइम सी, पूरी रात नींद नहीं आई रात।
और देखो नींद भी आ रही थी और आई भी नहीं ये चद्दर की वजह से। देखो फ्रेंड्स ये चद्दर है ये ना ये कैसा स्टफ कॉटन की नहीं है ये कॉटन नहीं है कॉटन मिक्स है। हाँ इसमें पसीना आता है जिधर भी करवट लूं उधर से ही पसीने में। मतलब अब एक बात देखो पर एक चीज तो मेरे को समझ आ रही है मतलब तुम क्या कर रहे हो मेरे साथ एक चद्दर के ऊपर राड कर रहे हो सुबह सुबह। मैंने नहीं राड करी कैमरा तूने हुनकरा राड करने के नाम का। तो मैं तो पूछ रही थी मैंने कहा चल ब्लॉग बना लूंगी मुझे क्या पता था ये तो आदमी इंसान ये सोचे बैठा है ब्लॉग। तो ये तो जब मैंने इससे पहली चद्दर तुमने बिछाई थी तभी बोला था सोना कॉटन की चद्दर बिछाई बाबू ये कब बिछाई थी ये कब बिछाई थी मैंने ये अभी मैंने परसों ही तो बिछाई है। उससे पहले मैंने क्या बोला था उससे पहले क्या जो रेड कलर की बिछी हुई थी मैं सोने से जब धोएगा तो इसके बाद कॉटन की बिछाई होगी। मुझे नहीं याद है बाबू तुमने ऐसा नहीं, बोला था। तो जीती ना इसने बोल कैसे दिया यार बाबू ऐसे। अच्छा तुम्हारे तो मैं बिछाऊंगी। अच्छा एक बात बताओ मतलब तेरी गलती नहीं औरतों की बात नहीं है बात ये है कि मतलब तो फिर तो औरतें सारी जो भी घर में है सब पागल ही हैं। जिद्दी होंगी जिद्दी की बात नहीं है तो फिर वो तुम्हारे मनपसंद खाने पीने तुम्हारे सारे काम करती है फिर तो वो भी ना करे। वो मनपसंद खाना क्या रोटी तो बननी है मनपसंद का यहाँ वो बन रहे बिल्कुल छोले भटूरे छोले भटूरे खा लोगे रोज फिर इतनी क्यों बोलने की हिम्मत आ रही है। आदमी बोलता वहाँ वो अच्छा लगा है जो लॉजिकल बात हो। अब भी आंखों में नींद नहीं आ रही बाबू मेरे ऐसे तो मेरे भी एक आधे सिर में दर्द हो रहा है मैं किससे कहूँ बताओ तो जाके। सोया भी सनराया भी बहुत है। हाँ सोया भी बहुत है। देखो रात मुझे नींद आ रही थी मेरे से पहले तू सो गया तो क्या करती कमाल की बात देखो मैं सिर मात करता रहा देखोगे फूस फूस की आवाज आ रही बहुत सो गया और मुझे नींद आ रही मैंने बंद करा जबरदस्ती 10 बजे टीवी। तो नहीं मैंने मना किया था तुम्हें सोने के लिए हैं मैं तो एक चीज बता रहा हूँ। हाँ मेरे से पहले तू सो गया और घोड़े बेच गए रात 3 बार तो इन्वर्टर चला गया तुझे पता ही नहीं। रात नहीं पता मुझे बाबू। अच्छा जब क्या होता है जब मैं सारी रात जगी रहती हूँ तुम्हें नहीं पता रहता कहाँ पड़ा हूँ मैं जब क्या होता है मुझे पता होता कुछ नहीं पता होता तो उठाता रहता जानबूझ के चीखो चीखो कहीं नहीं उठाती मैं साला सो कैसे रहा मैं जग रही हूँ। अच्छा मैं ऐसा सोचती हूँ क्या पता का क्या कुछ वो तो यही सीन हुआ फिर इंसान कुछ भी सोच ले फिर तो लिमिट ही नहीं है। परसों रात यही नहीं हुआ चलो छोड़ो मुझे लड़ना नहीं है अब सुबह सुबह छोड़ दो। देखा फ्रेंड्स मिल गया सुबह सुबह प्रसाद हमें तो। चलो फ्रेंड्स करती हूँ मैं अपना ब्लॉग यहीं पर एंड और अब करूंगी मैं नहा के कल वाला ब्लॉग शुरू। तो चलिए मिलते हैं आपसे तब तक के लिए टाटा बाय बाय टेक केयर।